हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज डिफेंस मैकेनिज्म बाय द होस्ट अगेंस्ट पैथोजन। तो कल हम लोगों ने कल के वीडियो में जो है अब्सेसियन लेयर फॉर्मेशन तक पढ़ा था, जो कि स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म में टू टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। एक प्री एग्जिस्टिंग यानी कि अटैक करने के पहले पैथोजन के जो है होस्ट अपने बचाव के लिए जो होता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एक्टिविटी करता है जिसके थ्रू कि वो अपनी डिफेंस कर पाता है, अपने आप को डिफाइन कर पाता है। और कुछ ऐसे मैकेनिज्म भी होते हैं जो कि अटैक करने पैथोजन के अटैक करने के बाद होस्ट जो है उन्हें अपनाता है और अपनी सुरक्षा के लिए जो जैसे कि कार्क लेयर का फॉर्मेशन करना, तो कार्क लेयर का फॉर्मेशन करके जो डिजीज्ड रीजन होता है उसको जो है वो अलग कर देता है और हेल्दी टिश्यूज जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन नहीं पहुंचने पाता है और हेल्दी टिश्यूज से उन्हें वाटर या न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है पैथोजन को, जिससे कि वो भूखे मर जाते हैं और वो पार्ट जो है अलग हो जाता है और होस्ट अपने आप को डिजीज कॉज होने से बचा लेता है। नेक्स्ट हमने बताया था अब्सेसियन लेयर का फॉर्मेशन, जो लीफ वगैरह में जहाँ पर डिजीज का इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होते ही जो होता है वहाँ पर जो मिडिल लैमिला होता है, जो पेक्टिन सबस्टेंसेस होते हैं वो पूरी तरह से गल जाते हैं और गल करके वहाँ पर अब्सेसियन लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उतना पार्ट जो कि इन्फेक्शन वाला पार्ट है कट के वहाँ से अलग हो जाता है और बाकी जो है प्लांट का सभी भाग जो होते हैं सुरक्षित बच जाते हैं, उनमें डिजीज मैनिफेस्ट नहीं होने पाता है। तो जो अब्सेसियन लेयर का फॉर्मेशन होता है, जैसे पीच है, स्टोन फ्रूट में जो न्यू लीव्स वगैरह आती हैं उसमें फंगल या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन से जो होता है अब्सेसियन लेयर बन जाता है, जिससे इन्फेक्शन लेयर जो है इन्फेक्शन एरिया के जो आसपास की सेल्स होती हैं वो एकदम थिन वाल वाली होती हैं, और जिससे कि मिडिल लैमिला जो होता है वो मिडिल लैमिला जिसको जिसमें कि पेक्टिन सबस्टेंसेस होते हैं वो पूरी तरह से रॉटिंग होती है, गल करके जो होते हैं वो एक अब्सेसियन लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक एपिडर्मिस तक फैल करके जो होते हैं इन्फेक्टेड भाग को जो है पूरी तरह से गिरा देते हैं, जिसका मेन एग्जाम्पल है कि पीच के साथ साथ शॉर्ट ढेल डिजीज का जो पैथोजन होता है क्लेस्टोस्पोरियम कार्पोफिलम, इससे जो होता है पीच में जो होता है डिजीज की लगने की प्रोसेस को रोका जा सकता है। नेक्स्ट होता है टाइलोसिस फॉर्मेशन में जो होता है टाइलोसिस आर आउट ग्रोथ, ये टाइलोसिस हैं, टाइलोसिस आर आउट ग्रोथ ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजेसेंट पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रोटोनेटेड इनटू जाइलम वेसल्स, दो द फॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ टाइलोसिस इज स्टिल नॉट एग्जैक्टली नोन, दियर डेवलपमेंट्स ब्लॉक्स द जाइलम वेसल्स दज ऑब्स्ट्रक्ट्स फ्लो ऑफ वाटर, दिस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ विल्ड सिम्टम्स इन प्लांट्स, हाउएवर टाइलोसिस आर फॉर्म इन द रिस्पॉन्सेस टू पैथोजन अटैक इन मैनी प्लांट्स एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम बींग इन्फेक्टेड, फॉर इंस्टेंस ए फंगस कार्ड फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफ स्पेसिम बटाटस काज विल डिजीज इन स्वीट पोटैटो, बट देयर आर सर्टेन वेराइटीज ऑफ स्वीट पोटैटो विच डेवलप टाइलोसिस अवेंडेंटली एंड क्विकली अहेड ऑफ द पैथोजन, टाइलोसिस सो डेवलप्ड ब्लॉक द जाइलम वेसल्स कंप्लीटली एंड प्रिवेंट द फर्दर स्प्रीड ऑफ द पैथोजन, दीज वेराइटीज ऑफ स्वीट पोटैटो रिमेन्स फ्री ऑफ एंड देयर फोर रजिस्टेंट टू फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जिसकी कि पैथोवर वेराइटी होती है बटाटस, यानी कि जो टाइलोसिस का फॉर्मेशन होता है जाइलम वेसल्स में, टाइलोसिस एक एक्स्ट्रा जो होती है आउटग्रोथ होती है जो कि प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती है, और जो मीजोफिल सेल्स के द्वारा जो होता है आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है जो कि जाइलम वेसल्स की ल्यूमेन वेसल्स में जो होती हैं ये प्रोट्रोड्यूड होती हैं वो
टाइलोसिस कहलाती हैं, इन्हें कहते हैं टाइलोसिस। टाइलोसिस ये टाइलोसिस होती हैं। तो ये टाइलोसिस जो होती हैं वो जाइलम वेसल्स के ल्यूमेन में जो है वहाँ पर जो है प्रोट्रूड होती हैं, टाइलोसिस कहलाती हैं। पैथोजन द्वारा जो सिक्रीट होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो टाइलोस का फॉर्मेशन के लिए उसको जो होती है स्टिम्यूलेट करती हैं। तो टाइलोज के फॉर्मेशन का जो समय होता है तथा जो उसकी स्पीड होती है, मूवमेंट होता है, वो पैथोजन के फैलाव को के अगेंस्ट जो होता है वो इफ़ेक्टिव होता है। और ये मेन फैक्टर होता है जो कि टाइलोसिस के फॉर्मेशन द्वारा ये जो है डिजीज कॉज करने की क्षमता को पैथोजन के रोक देता है। क्योंकि जब पैथोजन किसी प्लांट पर अटैक करता है तब वो जो है जो जाइलम वेसल्स फ्री हैं तो अटैक करने के बाद वहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब सिक्रीट होता है तो वो जो है प्लांट को स्टिम्युलेट करता है, प्लांट को उत्तेजित करता है कि उसके जाइलम वेसल्स में जो है उसके मेसोफिल सेल्स द्वारा जो होते हैं वहाँ पर एक आउट ग्रोथ फॉर्म होता है जो ग्लोबोस शेप में होता है जिसको कि टाइलोसिस कहते हैं। तो ये टाइलोसिस जो होते हैं, टाइलोसिस का जब फॉर्मेशन होता है, जब जितनी उत्तेजता से जो है पैथोजन जो है इन्फेक्शन करता है उतनी ही तेज़ी से होस्ट जो होता है अपने जाइलम वेसल्स के ल्यूमेन में टाइलोसिस का फॉर्मेशन करता है, जिससे टाइलोसिस से पूरा जाइलम वेसल्स भर जाता है। जब टाइलोसिस फॉर्मेशन से पूरा जाइलम वेसल्स भर जाता है तो जो है पैथोजन जो होता है इसको जो है पैथोजन ऊपर की ओर इन्फेक्शन नहीं कर पाता है, वाटर सप्लाई पैथोजन को रुक जाती है, जिससे कि प्लांट वगैरह जो होते हैं वो सुरक्षित बच जाता है और इन्फेक्शन वहीं से ख़त्म हो जाता है। तो ये जैसे कि जो स्वीट पोटैटो वगैरह की विल्ट डिजीज़ थी जिसका कि पैथोजन होता है फ्यूजेरियम ऑक्सी स्पोरम, जिसकी पैथोवर वैरायटी होती है बटाटा, को टाइलोज के बहुत अधिक मात्रा में फॉर्मेशन के कारण जो होता है उसमें जो होता है विल्ट डिजीज़ को रोका जा सकता है। क्योंकि जब टाइलोसिस का फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूरा ल्यूमेन टाइलोसिस से भर जाता है तब वहाँ पर फंगस का माइसीलियम उस जाइलम वेसल्स को ब्लॉक नहीं कर पाता है। विल्टिंग कब होती है? जब जाइलम वेसल्स का ल्यूमेन जो होता है फ्यूजेरियम या जो भी पैथोजन है उसके माइसीलियम पूरा ब्लॉक कर देता है जाइलम वेसल्स को, जिससे कि प्लांट को वाटर कंटेंट वगैरह नहीं मिल पाता है, वाटर सप्लाई रुक जाती है, जिससे कि प्लांट का प्रत्येक भाग जो है पूरी तरह सूख जाता है, विल्टिंग हो जाती है, तब वहाँ पर विल्ट डिजीज कॉज होती है। लेकिन जब पैथोजन इन्फेक्शन करता है ठीक उसी समय पर जैसे ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करने लगता है तो होस्ट उसके अगेंस्ट अपनी एक्टिविटी शुरू करता है, यानी कि जाइलम वेसल्स को टाइलोसिस से भर जाता है। तो जाइलम वेसल्स में टाइलोसिस फॉर्मेशन होने के साथ ही साथ वहाँ पर जो पैथोजन है वो अंदर इन्फेक्शन नहीं कर पाता है, यानी कि उसका माइसीलियम आगे मूवमेंट नहीं कर पाता है, जिससे कि इन्फेक्शन वहीं पर रुक जाता है और डिजीज कॉज नहीं होने पाती। यहाँ पर देखिए तीन फिगर हैं जिसमें कि शुरू में जाइलम वेसल्स जब उसके पैथोजन के अटैक करने के पहले जाइलम वेसल्स बिल्कुल फ्री है, क्लियर है, और जैसे ही पैथोजन अटैक करता है उस पर टाइलोसिस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर धीरे धीरे टाइलोसिस का इन्फॉर्मेशन इतना अधिक होता है कि पूरी जाइलम वेसल्स टाइलोसिस से भर जाती है। फंगस की माइसीलियम वगैरह की ग्रोथ के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं बचती है, जिससे कि इसके आगे फंगस बढ़ ही नहीं पाता है, जिससे डिजीज मैनिफेस्ट होने से रुक जाता है। वही फिगर यहाँ भी है कि हेल्दी जाइलम वेसल्स है और फिर धीरे धीरे एक टाइलोसिस का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर पूरा वेसल्स जो है टाइलोसिस से भर जाता है, जिससे कि टाइलोसिस बनने से वहाँ पर जो होता है जाइलम वेसल्स टाइलोसिस के थ्रू ही पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और विल्ट डिजीज का जो है पैथोजन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वो अंदर एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि जाइलम फ्यूजेरियम वगैरह जो होता है वो जाइलम वेसल्स को ही ब्लॉक करता है, तो यहाँ पर वो टाइलोसिस की वजह से अंदर पहुँच ही नहीं पाता है और इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर पाता है और होस्ट जो है अपने आप को डिफाइन कर लेता है, अपनी सुरक्षा कर लेता है। तो
तो इसके थ्रू भी, टाइलोसिस फॉर्मेशन के थ्रू भी होस्ट जो है पैथोजन के अगेंस्ट अपनी डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करके डिजीज मैनिफेस्ट होने से रोक देता है। नेक्स्ट आते हैं गम का डिपोजिशन। गम डिपोजिशन यानी गोंद वगैरह का जो वहाँ पर फॉर्मेशन होना और डिपोजिशन होना, उसका पूरी तरह से वहाँ फॉर्मेशन होता है और पूरी तरह से डिपॉजिट हो जाते हैं, सेल्स गम से भर जाते हैं, जहाँ पर माइसीलियम फिर वो पैथोजन का नहीं मूव कर पाता है और डिजीज रोक देता है। तो जो गम का डिपोजिशन होता है, इन रिस्पॉन्स द पैथोजन अटैक मैनी प्लांट्स डिपॉजिट गम्स एलोंग द बॉर्डर ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू। दिस गम डिपोजिशन ऑफन सर्व्स एज प्रोटेक्टिव डिमार्केशन एंड प्रिवेंट्स फर्दर स्प्रीड ऑफ द पैथोजन बियॉन्ड इट। गम डिपोजिशन हैज आल्सो बीन फाउंड अराउंड लिसंस इज लीव्स ऑफ राइस वेराइटीज रेजिस्टेंट टू ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस कॉज्ड बाई पायरिकुलेरिया ओराइजी। पायरिकुलेरिया ओराइजी एंड टू लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस कॉज्ड बाई हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज। तो जो पैथोजन होता है इसमें गम का डिपोजिशन होने से वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाता, इस तरह का जो रिस्पॉन्स होता है वो पायरिकुलेरिया ओराइजी द्वारा जो राइस में ब्लास्ट डिजीज कॉज होता है या लीफ स्पॉट डिजीज जो होता है हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज के थ्रू होता है, तो गम के डिपोजिशन द्वारा ये जो है अपना बचाव कर पाता है होस्ट। तो इसमें गोंद या गम का जो फॉर्मेशन या डिपोजिशन, जब इन्फेक्शन के फलस्वरूप जो होता है इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो जो होता है गम के डिपोजिशन से वहाँ पर जो होता है मैकेनिकल बैरियर कॉज करता है जिसके कारण पैथोजन के फैलाव को रोकता है, जैसे स्टीरम फ्यूजेरियम के द्वारा जो है उत्पन्न होता है बेर में जो होता है सिल्वर लीफ डिजीज, जो कि गोंद के डिपोजिशन की वजह से, गोंद के बैरियर की वजह से जो होता है वहाँ पर फॉर्मे वहाँ डिजीज कॉज नहीं होने पाती है। तो ये पैथोजन जैसे माइसीलियम यहाँ से एंटर कर रहा है, ये जाइलम वेसल्स हैं और ये फाइबर वाउंड्स है और सेल के बीच बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, तो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में पूरी तरह से जो होता है गम डिपॉजिट हो जाता है, पूरा गोंद से भर जाता है ये सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है गम डिपॉजिट हो जाता है, तो ये पैथोजन आगे जो है बढ़ ही नहीं पाता है, गोंद उसको रोक लेता है आगे नहीं बढ़ने देता है, जिससे कि फंगल या बैक्टीरियल माइसीलियम जो है होस्ट के जो हेल्दी रीजन्स हैं, हेल्दी टिश्यूज हैं, हेल्दी सेल्स हैं, उन पर अटैक नहीं कर पाता है और उसका जो है ग्रोथ रुक जाती है, सप्रेस्ड हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब उसे न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं मिलता है, वाटर सप्लाई नहीं होने पाता है, क्योंकि गम के डिपोजिशन से वो ना ही आगे उसको न्यूट्रिएंट वगैरह मिल पाता है और ना ही वाटर सप्लाई उसको पहुंच पाती है और ना ही जो है वो आगे मूवमेंट कर पाता है, ना ही कोई ग्रोथ कर पाता है, तो धीरे धीरे माइसोलियम वहीं से सूख कर हट जाता है और होस्ट अपना जो है बचाव कर लेता है, डिजीज मैनिफेस्ट नहीं होने पाता है उसमें होस्ट में। तो इस तरीके से जो है ये पैथोजन के अटैक करने के बाद जो है उसकी एक्टिविटी के थ्रू हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो उसके पैथोजन की एक्टिविटी के थ्रू जो होता है उसकी प्रतिक्रिया होस्ट की होती है और पैथोजन को वो डिजीज कॉज करने से रोक लेता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेलुलर डिफेंस स्ट्रक्चर। सेलुलर डिफेंस जो होता है, सेलुलर डिफेंस में सेलुलर डिफेंस स्ट्रक्चर्स सच एज स्वेलिंग ऑफ द सेल वॉल्स एंड सीटिंग ऑफ द एडवांसिंग हाइफी, तो इनके द्वारा भी ये जो है बचाव अपना कर लेता है। तो इसमें जो गम का डिपोजिशन के द्वारा या उसके अलावा जो है सेल वॉल में स्वेलिंग हो करके या एडवांसिंग हाइफी डेवलप करके सीटिंग के थ्रू भी अपना जो होस्ट है अपना बचाव कर लेता है। तो डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड पॉसिबली केमिकल चेंजेज इन द सेल वॉल्स ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट। स्वेलिंग ऑफ द सेल वॉल एज ए डिफेंस डिवाइस हैज बीन रिपोर्टेड इन पी लीव्स व्हेन अटैक्ड बाय बोट्राइटिस सिनेरा।
सीटिंग ऑफ पेनिट्रेटिंग हाइफी ऑफ फंगल पैथोजन डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ द इनवर्ड स्ट्रेचिंग ऑफ द सेल वॉल. दो द सीटिंग हाइफी जनरली मैनेज टू पेनिट्रेट द सीट एंड इन्वेड द सेल साइटोप्लाज्म. द सीटिंग प्राइमरली डिलेज द पेनिट्रेशन एंड दीज इम्पार्ट्स पार्शियल चेक ऑन द स्प्रीड ऑफ द पैथोजन. तो साइटोप्लाज्मिक एक होता है सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, उसके अलावा दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक डिफेंस मैकेनिज्म. साइटोप्लाज्मिक डिफेंस मैकेनिज्म जो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है सेल वॉल के जो होता है उसकी सीटिंग के थ्रू या सेल वॉल की स्वेलिंग के थ्रू होता है. तो यहाँ पर जो सेल वॉल होती हैं वो या जो फंगल हाइफी होती है उसके चारों ओर सीथिंग होती है. तो फंगल हाइफी की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उसकी जो होता है पेनिट्रेशन जो है अक्सर जो होता है सेल वॉल में सूजन या स्वेलिंग या कैलस का फॉर्मेशन को जो होता है इंड्यूस्ड करता है जिससे कि पैथोजन जो होता है उन पर इन्फेक्शन ना कर सके. और ये सीटिंग जो होती हैं कैलस के रूप में या ग्रेन्यूलर फॉर्म में हो सकती हैं. तो ये सेलुलर डिफेंस में जो होता है सेल वॉल के चारों ओर या तो सीटिंग हो जाएगी या सेल वॉल जो होती है स्वेल हो जाती है जिससे कि पैथोजन इन्फेक्शन के बाद पेनिट्रेशन करके अंदर एंटर नहीं कर पाता है और डिजीज कॉज करने में कैपेबल नहीं हो पाता है. नेक्स्ट आते हैं साइटोप्लाज्मिक डिफेंस स्ट्रक्चर. साइटोप्लाज्मिक डिफेंस स्ट्रक्चर व्हेन द हाइफी ऑफ द पैथोजन सक्सीड इन पेनिट्रेटिंग द सेल वॉल एंड एंटर ए पर्टिकुलर सेल द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ सच सेल बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए वे दैट द साइटोप्लाज्म बिकम्स ग्रेन्यूलर एंड डेंस एंड सर्टेन ऑर्गेनेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप्स. एज ए रिजल्ट द पेनिट्रेटिंग हाइफी डिजनरेट इंटू स्मॉल ग्रेन्यूलर बॉडीज एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द हाइफी इज स्टॉप्ड. हाउ एवर द साइटोप्लाज्मिक डिफेंस स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट लाइन ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेंस एंड आर डिफेक्टिव अगेंस्ट ऑनली स्लो ग्रोइंग वीक पैथोजेनिक फंजाई. तो ये साइटोप्लाज्मिक डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं तो ये हाइफी जो होती है पैथोजन को पेनिट्रेशन ना कर सके सक्सेसफुली जो है पेनिट्रेशन ना कर पाए इसके लिए जो सेल वॉल होती है वो पर्टिकुलर सेल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वो जो होते हैं उस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और उसमें साइटोप्लाज्म होता है ग्रेन्यूलर और बहुत ही डेंस हो जाता है जिससे कि वो सर्टेन ऑर्गेनेल्स ऐसा लगता है कि पूरी तरह से डेवलप हो गया है और इसके रिजल्ट स्वरूप जो होता है हाइफी जो होती है पैथोजन हाइफी वो वहाँ पर पेनिट्रेटिंग नहीं कर पाती है और डिजनरेट हो जाती है स्मॉल ग्रेन्यूलर बॉडीज के फॉर्म में और बाद में डेवलपमेंट जो हाइफी का पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है. तो साइटोप्लाज्मिक डिफेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है और स्ट्रक्चरल डिफेंस जो है इफ़ेक्टिव हो जाता है अगेंस्ट पैथोजन के क्योंकि पैथोजन वहाँ पर वीक हो जाता है कमज़ोर हो जाता है उसकी ग्रोथ जो होती है ग्रोइंग स्लोली होने लगती है जिससे कि धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है और डिजीज काज करने में कैपेबल नहीं होने पाता है. नेक्स्ट होता है निक्रोटिक या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन. तो इन प्लांट डिजीजेज एग्जाम्पलीफाइड बाई वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाई सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाई द फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एंड ब्लास्ट ऑफ राइस कॉज्ड बाई पायरिकुलेरिया ओराइजी. द मोस्ट न्यूक्लियस मूव्स टूवर्ड्स द पैथोजन व्हेन द लेटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द होस्ट सेल साइटोप्लाज्म. द न्यूक्लियस व्हेन द इट कम्स नियर द पैथोजन सून डिजनरेट्स इनटू ब्राउन ग्रेन्यूल्स. दीज ग्रेन्यूल्स फर्स्ट एक्यूमुलेट
around the pathogen and then disappear throughout the entire cytoplasm of the cell. Stimulously the cell membrane swells and finally the cell is die. These events affect the pathogen as well. The pathogen also begins to degenerate as its nucleus degenerates into an homogeneous mass and its cytoplasm becomes dense. As a result, the pathogen fails in growing out of the such dead areas या सेल्स एंड इट्स फर्दर स्प्रीड इज स्टॉप. तो इसके द्वारा भी यानी कि जो निक्रोटिक या हाइपर सेंसिटिव जो डिफेंस होता है उनके द्वारा यानी कि वहाँ पोटैटो जब सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम या लेट ब्लाइट पोटैटो जो कि पैथो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के थ्रू या फिर ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस जो कि पायरिकुलेरिया और राइजी के थ्रू होता है, इसमें होस्ट का न्यूक्लियस जो होता है मूव करता हुआ पैथोजन के एकदम करीब आता है और बाद में जो होता है उसके कांटेक्ट में आने के बाद होस्ट सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको चारों ओर से घेर लेता है. द न्यूक्लियस व्हेन इट कम नियर द पैथोजन उसके एकदम पास आकर के वहाँ पर डिसइंटीग्रेट होकर के ब्राउन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है. ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं पैथोजन के चारों ओर जो होता है एक्यूमिलेट होता है और जिससे क्या होता है कि पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो सेल का है वो वहाँ पर पैथोजन के चारों ओर पूरी तरह से इकट्ठा होकर एक्यूमिलेट होकर के उसको डिसअपियर धीरे धीरे करता है. इस इवेंट से क्या होता है कि पैथोजन जो होता है वहाँ पर पैथोजन अपना एक्टिविटी नहीं कर पाता है और उसमें जो होता है पूरी तरह से उस ग्रेन्यूलर मास के बीच में जो होता है वो डिजनरेट हो जाता है. उसका न्यूक्लियस जो होता है डिसइंटीग्रेट होकर के होमोजीनस मास के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जिससे कि साइटोप्लाज्म भी बहुत अधिक डेंस हो जाता है. तो वहाँ पर पैथोजन आगे मूवमेंट नहीं कर पाता है क्योंकि इतना डेंस साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हो जाता है कि वहाँ पर पैथोजन को कुछ भी समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता है और पैथोजन आगे नहीं बढ़ पाता है जिससे पैथोजन की ग्रोथ जो होती पूरी तरह से रुक जाती है. पैथोजन ग्रो करने में फेल हो जाता है और निक्रोटिक सेल्स जो होती है बाद में जो होती है वो आगे बढ़नी रुक जाती है और वहीं से वो पार्ट कट के गिर जाता है जिससे कि होस्ट अपना बचाव कर लेता है और पैथोजन को वहाँ पर डिजीज कॉज करने से डिजीज मैनिफेस्ट करने से रोक लेता है. नेक्स्ट है बायोकेमिकल डिफेंस. इन एडिशन टू वेरियस स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म डिस्क्राइब्ड इन preceding pages, the plants process certain metabolic processes in their cells which impart resistance to them against pathogen attacks. This type of defense adopted by the plants is called biochemical defense. Regardless of how or when the biochemical defense is expressed, one must know that it is generally controlled phenomena and is always present in the plant cell. Two types of biochemical defense operate in the plants: pre-existing and induced biochemical defense. सबसे पहले आते हैं pre-existing biochemical defense पर, यानी कि जो प्लांट में जो केमिकल्स वगैरह केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं प्रेजेंट रहते हैं उनके थ्रू जो होता है पैथोजन का जो ग्रोथ होता है या उनका मल्टीप्लिकेशन होता है उसको रोकने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म. ये सब्सटेंसेस यानी कि जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या तो इन्फेक्शन के पूर्व प्रेजेंट रहते हैं या फिर होस्ट में पैथोजन के इन्फेक्शन की जो मतलब कि इंटररिलेशन होता है या उनकी जो इंटीग्रिटी होती है उनकी आपस में या अंतःक्रिया होती है उसके द्वारा जो है सिक्रीट होते हैं. तो सबसे पहले प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल सब्सटेंसेस यानी कि प्लांट द्वारा जो है इन्वायरमेंट में जो है छोड़े गए जो कि
इनहिबिटर रिलीज करता है, तो यानी कह सकते हैं डिफेंस थ्रू इनहिबिटर रिलीज बाय द प्लांट इन द एनवायरनमेंट। तो इसमें प्री एग्जिस्टिंग जो बायोकेमिकल होता है इसमें इनहिबिटर रिलीज बाय द प्लांट्स इन इट्स एनवायरनमेंट। प्लांट्स जनरली एक्सक्यूट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थ्रू सर्फेसेस ऑफ अबव ग्राउंड पार्ट्स एंड रूट्स। दीज एक्सुडेट्स जनरली एक्यूमुलेट आइदर इन माइन्यूट ड्रॉप्स और डिफ्यूज इन द मॉइस्चर ऑफ द नेबरिंग एनवायरनमेंट। सिंस सम ऑफ द कंपाउंड्स अकरिंग इन एक्सुडेट्स इन इनहिबिटरी दे आइदर डायरेक्टली इनहिबिट द एक्शंस ऑफ सेवरल माइक्रोबियल पैथोजेंस एंड इनकरेज सर्टेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डोमिनेट द एनवायरनमेंट एंड द फंक्शन एज एंटागोनिस्ट ऑफ अदर माइक्रोबियल पैथोजेंस। यानी कि जो डिफेंस जो होता है इसमें इनहिबिटर्स के रिलीज होने के बाद जो होता है प्लांट जो कि इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, जैसे कि रूट वगैरह में इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो होता है वहाँ पर अपनी मैकेनिज्म यानी कि डिफेंस की जो मैकेनिज्म होती है डिफेंस करने की दृष्टि से कुछ वहाँ पर प्लांट जो होता है कुछ एक्सुडेट्स सिक्रीट करता है, जैसे कि जो फ्लैक्स वगैरह होती हैं उनकी जो रेजिस्टेंट वैरायटी होती है उनमें जो रूट वगैरह होती हैं कुछ ऐसे सिक्रीशन करती हैं जिससे कि सॉयल बैक्टीरिया के लिए जो होता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, जैसे ट्राइकोडर्मा बीडी। और जो टॉक्सिक बैक्टीरिया होती हैं जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए तो टॉक्सिक होता है, पर जो होता है ट्राइकोडर्मा बीडी के लिए बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होता है। तो प्लांट्स जो मित्र फंजाई हैं हमारे इकोलॉजिकल हमारे फ्रेंड फंजाई हैं जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह उन पर उसका इफेक्ट नहीं होता है, तो प्लांट अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे इनहिबिटर टॉक्सिक इनहिबिटर्स रिलीज करता है जिससे कि जो होता है उसकी पैथोजन तो उसके पास नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उनके लिए वो टॉक्सिक इफेक्ट का होता है, और किंतु जो ट्राइकोडर्मा वेडी वगैरह होते हैं उनके लिए वो टॉक्सिक नहीं होता है। तो ट्राइकोडर्मा वेडी का एक जो स्प्रे वाला एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है यानी कि जो उड़नशील होता है एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है जिसको कि ट्राइकोडर्मिन कहते हैं। ये जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम लिनाई द्वारा उत्पन्न जो होता है विल डिजीज के अगेंस्ट होता है फ्लैक्स की जो रेजिस्टेंट वैरायटी होती हैं उनमें इन्फेक्शन से रक्षा करता है डिफेंस करता है। तो ट्राइकोडर्मा वेडी चूँकि उसमें ऐसे ट्राइकोडर्मा वेडी के थ्रू जो होता है ट्राइकोडर्मिन रिलीज होता है इनहिबिटर फॉर्म में जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के लिए तो वो टॉक्सिक होता है लेकिन प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और प्लांट फ्लैक्स से ऐसे रूट वगैरह से ऐसे एक्सुडेट्स निकलते हैं जो कि ट्राइकोडर्मा वेडी के लिए हानिकारक नहीं होते हैं पर जो है वो फ्यूजेरियम के लिए हानिकारक होता है, जिससे कि क्या होता है कि जो ये रेजिस्टेंट वैरायटी होती हैं उनमें इन्फेक्शन से वो अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है इनहिबिटर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। जो इनहिबिटर्स होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं। द प्लांट सेल्स कंटेन सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग इनहिबिटरी सब्सटेंसेस विच मेनली प्ले ए डिफेंसिव रोल अगेंस्ट द पर्टिकुलर पैथोजन। फॉर इंस्टेंस द ट्यूबर्स ऑफ रेजिस्टेंट वैराइटीज ऑफ पोटैटोज अगेंस्ट पोटैटो स्कैब डिजीज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस कंटेन हायर कंसंट्रेशंस ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड अराउंड द लेंटिसिल्स एंड द आउटर लेयर ऑफ द ट्यूबर्स दैन डू द ट्यूबर्स ऑफ ससेप्टेबल वैराइटीज। इट इज दिस एसिड विच प्रिवेंट्स द एंट्री एंड स्प्रीड ऑफ द पैथोजन इन रेजिस्टेंट वैराइटीज। तो ये प्लांट सेल्स में यानी कि डिफेंस थ्रू इनहिबिटरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बिफोर इन्फेक्शन। यानी कि कुछ प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं वो इनहिबिटरी सब्सटेंस वहाँ पर रहते हैं जो कि पैथोजन द्वारा इन्फेक्शन का जो है
इन्फेक्शन को इनहिबिट करते हैं, जिसमें कि आलू ट्यूबर जो पोटैटो होता है उसके ट्यूबर्स वगैरह में क्लोरोजेनिक एसिड की जो होती है हाई कंसंट्रेशन स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस द्वारा जो पोटैटो में स्कैब डिजीज काज करती है उसका जो है वो इनहिबिट कर देते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस को इनहिबिट करने से ये डिजीज़ वहाँ पर कॉज नहीं होने पाती। इसी तरह से जो ओट्स होते हैं, ओट्स की जो यानी कि एविना सटाइवा जिसको कि बॉटनिकल नेम होता है, इसकी लीफ जो होती है और रूट में जो होता है एविनेसिन नाम का जो है ग्लूकोसाइड होता है, जो कि कई जो है फंगल पैथोजन की ग्रोथ को ये रोक देता है। तो ये जो इनहिबिटरी सबस्टेंसेस जो कि होस्ट सेल के थ्रू जो है सिक्रीट की जाती हैं, तो इनहिबिटरी सबस्टेंसेस जो होते हैं पैथोजन को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर डिजीज कॉज नहीं होने पाती है। जैसे कि तो ये जैसे कि क्लोरोजेनिक एसिड जिसकी हाई कंसंट्रेशन जो कि पोटैटो ट्यूबर्स के थ्रू जो होता है सिक्रीट की जाती हैं, जो कि स्कैब डिजीज को रोक देती हैं, और जो ओट्स वगैरह की लीफ होती हैं उनमें जो होता है रूस की रूट रूट में एविनेसिन नाम का ग्लूकोसाइड होता है जो कि उसकी फंगल ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देता है। नेक्स्ट आता है अब्सेंस ऑफ कॉमन एंटीजन इन होस्ट सेल। तो अब्सेंस ऑफ कॉमन एंटीजन इन होस्ट सेल, यहाँ पर क्लियर एविडेंस द प्रेजेंस ऑफ कॉमन एंटीजन यानी प्रोटीन इन बोथ होस्ट एंड द पैथोजन डिटरमाइंस डिजीज अक्रेंस इन द होस्ट, बट इफ द एंटीजन इज अब्सेंट इन द होस्ट एंड प्रेजेंट ओनली इन द पैथोजन इट मेक्स द होस्ट रेजिस्टेंट टू दैट प्रोटीनेसियस पैथोजन। दिस हैज़ बीन प्रूव्ड बाई स्क्लेरोलॉजिकल स्टडीज विद द लाइन्स रस्ट डिजीज कास्ड बाई मेलैम्पसोरा लिनाई एंड एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन कास्ड बाई जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस जिसकी पैथोवर्ब रहती है मलबेक्सियम। तो ये जो है इनहिबिटरी सबस्टेंसेस जो कि एंटीजन होस्ट सेल में बनते हैं, अगर जो हो एंटीजन जो कि प्रोटीन होते हैं अगर होस्ट और पैथोजन दोनों में ही सेम टाइप के होंगे तो वहाँ पर जो होता है पैथोजन अपना डिजीज कॉज करने में कैपेबल हो जाता है, बट एंटीजन होस्ट में अब्सेंट हो और सिर्फ पैथोजन में वो प्रोटीन प्रेजेंट हो तब वहाँ पर होस्ट अपना रेजिस्टेंट मेक कर लेता है, यानी कि पर्टिकुलर पैथोजन उसमें डिजीज कॉज करने में कैपेबल नहीं होने पाता है, क्योंकि ये सीरोलॉजिकल टेस्ट से ये सिद्ध हो गया है कि जो मेलैम्पसोरा लिनाई द्वारा जो है रस्ट डिजीज कॉज होती है, जो कि ऑरेंज रस्ट बोलते हैं इसको मेलैम्पसोरा लिनाई या तीसी की पत्तियों में, तो वहाँ या फिर मेलैम्पसोरा लिनाई की ग्रोथ को रोक देता है और एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज जो है कॉटन में कॉज होती जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के थ्रू, तो इनके जो होता है इन्फेक्शन को जो होता है एंटीजन होस्ट में उस एंटीजन के अब्सेंस के कारण जो होता है वहाँ पर डिजीज कॉज होने नहीं पाती है, डिजीज कॉज नहीं होने पाती है। नेक्स्ट है पोस्ट इन्फेक्शन यानी कि बायोकेमिकल डिफेंस, यानी कि इन्फेक्शन के बाद जो है बायोकेमिकल डिफेंस। तो इसमें इन्फेक्शन के बाद बायोकेमिकल डिफेंस जो होता है, जैसे कि बायोकेमिकल इनहिबिटर्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेनिक अटैक, यानी कि पैथोजन के अटैक करने के बाद जो होता है प्लांट जो होता है प्लांट के उसमें जो होता है कुछ ऐसे बायोकेमिकल इनहिबिटर्स सबस्टेंसेस वहाँ पर सिक्रीट होते हैं, जिससे कि पैथोजन के लिए इंजूरियस होता है, पैथोजन के लिए हानिकारक होता है, टॉक्सिक होता है, जिससे पैथोजन वहाँ पर डिजीज कॉज नहीं कर पाता है। तो प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज सिंथेसाइज इनहिबिटरी सबस्टेंसेस टू हाई अगेंस्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय पैथोजन और इंजूरियस कॉज्ड बाय एनी अदर मींस। सम इम्पॉर्टेंट इनहिबिटरी सबस्टेंसेस जैसे कि फिनोलिक कंपाउंड्स, तो फिनोलिक कंपाउंड्स के थ्रू जो होता है प्लांट सेल्स जो होता है अपना डिफेंस करता है।
यहाँ पर द मेन इनहिबिटरी सबस्टेंस दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय वन प्लांट सेल्स और टिश्यूज इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इंजरी फॉर आर प्रिपेयर कंपाउंड्स. द मोर इम्पॉर्टेंट फिनोलिक कंपाउंड्स इम्प्लीकेटेड इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इन टू ग्रुप कॉमन फिनोलिक कंपाउंड्स एंड फाइटो एलेक्जिन्स. तो इसमें कुछ जैसे होते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स के प्रेजेंस में प्लांट सेल जो होता है वो अपना डिफेंस कर पाता है. तो पैथोजन के लिए जो टॉक्सिक होता है फिनोलिक सब्सटेंस की हाई कंसंट्रेशन और उनके ऑक्सीडेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं और फिनोलिक ऑक्सीडेज यानी जिसको PPO भी बोलते हैं PPO यानी कि पॉलीफेनोलिकॉक्सीडेज की जो बहुत अधिक जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाने से उसकी एक्टिविटी बढ़ जाने से कई प्लांट जो होते हैं वो फंगल पैथोजन के द्वारा जो होते हैं उनमें रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है. तो फंगल पैथोजन उन पर अटैक नहीं कर पाते हैं और अटैक कर भी लाते हैं तो उसमें ग्रोथ या जो है उसमें इस्टेब्लिश डिजीज को नहीं कर पाते हैं. जैसे कुछ जो है फिनोलिक कंपाउंड्स इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कैफेइक एसिड फेरुलिक एसिड क्लोरीजेनिक एसिड एंड प्लांट टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ये जो है इनके द्वारा जो है उसमें डिजीज कॉज होने से रुक जाता है. और इनके अलावा जैसे फाइटो एलेक्जिन्स जो कि एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करते हैं तो फाइटो एलेक्जिन्स के डिफेंस थ्रू सिंथेसिस ऑफ फाइटो एलेक्जिन्स इनके फाइटो एलेक्जिन्स की सिंथेसिस के थ्रू भी जो होते हैं डिजीज कॉज होने से रुक जाता है और पैथोजन उस पर अटैक नहीं कर पाता है. ह्यूमन बींग तथा एनिमल्स वगैरह के बारे में जानते हैं हम लोग कि वायरस डिजीज के प्रति जो होता है इम्यून होते हैं किंतु वायरस के थ्रू जो होता है इन्फेक्शन से प्लांट जो होते हैं पूरी तरह से डेड हो जाते हैं. बिंगवार्ड ने 1928 में देखा था कि जो टोबैको होता है उसमें जो टोबैको में जो कर्ल लीफ डिजीज होती है उसमें इन्फेक्शन प्लांट में इन्फेक्शन के थ्रू जो होता है प्लांट में जो हेल्दी होने की जो क्षमता होती है यानी कि रेजिस्टेंट होने की जो क्षमता होती है उन्होंने इसको तो इन्फेक्शन नहीं होने पाता है टोबैको डिजीज में. टोबैको में उन्होंने क्या बताया था विंगवार्ड ने कि जो डिजीज के अगेंस्ट जो वहाँ पर रेजिस्टेंट प्राप्त कर लेता है प्लांट बाद में 1940 में जो है वैलेस ने इसका जो है प्रमाणित किया था रिपोर्ट किया था कि जो चुकंदर होता है उसमें जो है कर्लिंग डिजीज जो होती शिखर पर जो होती है डिजीज उससे जो इन्फेक्टेड टोबैको की लीफ या टोबैको के प्लांट्स में जो है उसमें कुछ ऐसे एलेक्जिन्स वगैरह फाइटो एलेक्जिन्स वगैरह जो है सिक्रीट हुए बने जिसके द्वारा कि वहाँ पर पैथोजन जो है पैथोजन के इन्फेक्शन के बाद भी डिजीज कॉज नहीं होने पाती है बल्कि प्लांट जो होते हैं बहुत हेल्दी हो जाते हैं. तो इसके बाद जो है फाइटोप्थोरा जो कि इन्फेक्टेड फाइटोप्थोरा के थ्रू इन्फेक्टेड पोटैटो ट्यूबर में उन्होंने फाइटो एलेक्जिन नाम का एक सब्सटेंस की खोज की वहाँ से शुरुआत हुई. मूलर एवं ब्रोडीर द्वारा जो है ये फॉर्मेशन किया गया फाइटो एलेक्जिन फाइटोन मीन्स प्लांट तथा एलेक्जिन मीन्स सब्सटेंस यानी ऐसे एंटीबायोटिक ऐसे फाइटो एलेक्जिन का सिंथेसिस जो कि प्लांट के थ्रू जो सब्सटेंस सिक्रीट होता है और वो जो होता है एंटीबायोटिक की तरह काम करता है. तो फाइटो एलेक्जिन जो है होस्ट और पैथोजन की जो होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के जो होता है थ्रू जो होता है एंटीबायोटिक बनता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट निमेटोड इन सब की ग्रोथ को जो होता है इनहिबिट कर देता है. क्रुइसेक ने फाइटो एलेक्जिन की सिंथेसिस का जो है कई वो बताया जैसे कि होस्ट की प्लांट सरफेस होती है और वाटर की बूंदें उस पर मिलें फिर होस्ट जो होता है
उसमें जो होता है न्यूट्रिएंट पूरे शरीर में उसकी पूरे होस्ट सेल में फैलना, फिर होस्ट के लिचेट और उसमें जो होता है फंगल और बैक्टीरियल जो स्पोर्स वगैरह होते हैं उनमें उसके आसपास पहुंचता है उसके पास, तो पैथोजन का जो जर्मिनेशन और ग्रोथ होने लगती है, तो माइक्रो एंटीजन जो होता है वो वायबल होता है होस्ट सेल के द्वारा। तो वहाँ पर जो मीडियम होस्ट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वहाँ पर बहुत ही स्टिम्यूलेट होने लगती है, जिससे कि फाइटो एलर्जिन की सिंथेसिस होती है, और फाइटो एलर्जिन की सिंथेसिस होते ही वहाँ पर होस्ट जो होता है वहाँ पर रेजिस्टेंट हो जाता है और पैथोजन का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये फाइटो एलर्जिन की सिंथेसिस द्वारा होस्ट अपना बचाव पैथोजन के द्वारा कर लेता है। तो पैथोजन के अगेंस्ट जो अपना बचाव जो फाइटो एलर्जिन के थ्रू करता है वो तभी होता है जब होस्ट और पैथोजन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों के इंटर रिलेशन या इंटर एक्टिविटी के थ्रू जो होता है वो फाइटो एलर्जिन की सिंथेसिस होती है। और फाइटो एलर्जिन्स जो होते हैं ये लिपोलाइटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपनी सिंथेसिस के द्वारा वहाँ पर किसी भी तरह के पैथोजन की ग्रोथ को और उसके इनहिबिशन को पूरी तरह से रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड टू रजिस्ट पैथोजन एंजाइम्स। तो इस तरह से डिफेंस थ्रू पीएच ऑफ द होस्ट सेल, होस्ट सेल की पीएच द्वारा भी डिफेंस होता है। जैसे प्लांट जो होते हैं पैथोजन के में बहुत सारी जो होती हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है प्लांट्स के टिश्यूज के पीएच द्वारा जो होती हैं इफ़ेक्टिव होती हैं। जैसे एंजाइम्स एक्टिविटी पीएच जो होती है पीएच के थ्रू जो होता है पैथोजन का इनहिबिट कर देती हैं। गार्डनर तथा वेंड्रिक ने बतलाया था कि जेंथोमोनास बेसिका टोरिया के अगेंस्ट जो होता है कि प्रति जो होता है जो एकदम राइप टोमेटो होता है एकदम पके हुए टमाटर होते हैं उनमें जो होता है पीएच जो होता है 4 से 4.5 तक अगर हो पीएच तो जो है वहाँ पर पैथोजन जो होता है इनहिबिट हो सकता है। इनके अलावा जो होता है डिफेंस थ्रू परमेबिलिटी इफ़ेक्ट एंड ऑस्मेटिक प्रेशर के थ्रू, यानी कि जो वाटर में जो होता है इंटरसेलुलर डिफ्यूजन का होता है उसके द्वारा जो होता है ऑस्मेटिक प्रेशर्स, देखा गया कि पैथोजन की जो सेल्स होती हैं उसमें होस्ट सेल की अपेक्षा जो होती है ऑस्मेटिक प्रेशर अधिक होता है। इस प्रकार जो होता है वाटर का जो होता है होस्ट की सेल से पैथोजन में जो होता है वहाँ पर आसानी से जो होता है डिफ्यूजन होने लगता है, जिससे लेट्यूक वगैरह की जो होती हैं वो रेजिस्टेंट वैरायटी में जो होता है वैरायटी की सेल्स जो होती हैं मिल्ड्यू वगैरह की जो डिजीज कॉज करते हैं इरिसेफी आइकोरेसियम द्वारा इन्फेक्शन जो होता है उसकी जो डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज होती हैं उनकी सेल्स की अपेक्षा उनमें अधिक जो होता है ऑस्मेटिक प्रेशर होने के कारण होस्ट से जो है पैथोजन की तरफ जो होता है डिफ्यूजन होता है जिससे जो होता है पैथोजन इनहिबिट हो जाता है और डिजीज कॉज नहीं कर पाता है। पैथोजन डिफेंस थ्रू अब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर पैथोजन ग्रोथ। तो पैथोजन की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट होना चाहिए वो अगर होस्ट उसे सप्लाई नहीं करता है नहीं देता है तब पैथोजन जो है अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है और डिजीज रुक जाती है। तो पैथोजन की जो ग्रोथ होती है और अच्छी तरह से जो होती है पैरासिटिज्म के लिए एमिनो एसिड प्रोटीन विटामिन्स तथा एंजाइम्स की जो है उपलब्धता अगर अच्छे से वहाँ पर है प्रेजेंट है तो पैथोजन आसानी से वहाँ पर ग्रोथ कर पाएगा। पर होस्ट टिश्यू यदि इन उनकी जो है न्यूट्रिएंट की जैसे एमिनो एसिड प्रोटीन विटामिन एंजाइम्स वगैरह की अगर वो नहीं दे पाता है पैथोजन को नहीं आपूर्ति करता है तो पैथोजन का वहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगा। जैसे कि बेंचुरिया इनक्लेविस के म्यूटेंट के रूपों में जो है वहाँ पर जिसमें कि कोलीन तथा रिबोफ्लेविन की कमी होने से वहाँ पर स्कैब डिजीज जो है उत्पन्न करने में
तब तक असमर्थ रहता है जब तक कि ये प्लांट, ये जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें मिल न जाए। तो इसलिए अगर उनमें एस्कार्बिक एसिड और कोलीन जैसे सब्सटेंसेस होस्ट प्रोवाइड नहीं करता है पैथोजन को, तो पैथोजन का वहाँ पर वो फैल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं पैथोजन का, पैथोजन से अपना बचाव कर पाता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होस्ट के थ्रू की जाती है जिसके द्वारा कि वो पैथोजन से अपना बचाव होस्ट कर पाता है, जिसमें कि पैथोजन के डिफेंस थ्रू सबस्ट्रेट फॉर्मेशन रेजिस्टिंग द एंजाइम्स ऑफ द पैथोजन। पैथोजन द्वारा जो सिक्रीट होता है एंजाइम्स की प्रतिक्रिया के अगेंस्ट जो होता है होस्ट कुछ केमिकल सबस्टेंस का प्रोडक्शन करता है, जिससे कि पैथोजन का इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो होता है वो पैथोजन के इन्फेक्शन को इनहिबिट करता है। जैसे कच्चे जो बहुत ही अपरिपक्व टाइप के इनमेच्योर टाइप के सेब होते हैं, उसमें पके हुए सेब एप्पल की अपेक्षा जो होता है फंगस वगैरह के इन्फेक्शन के प्रति जो होते हैं ज़्यादा वो रेजिस्टेंट होते हैं। इसी कारण जो होता है जो एकदम कच्चे सेब वगैरह होते हैं उसमें पेप्टीन प्रोटीन पॉलीवेंट पैलेंट केसन कॉम्प्लेक्स जो होता है प्रेजेंट रहता है, जो कि फंगल की जो होता है उस वहाँ पर हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस को रोक देता है, उसमें डिजीज कॉज नहीं होने पाता है। इसके अलावा डिफेंस थ्रू चेंज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी देखा गया है कि होस्ट प्लांट जो होते हैं वो पैथोजन के डेवलपमेंट को या पैथोजन की ग्रोथ को अपनी रेस्पिरेशन रेट बढ़ाकर भी उनको इनहिबिट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म के साथ जो होता है ऑक्सीजन जो होता है कैरी करते हैं, और ग्रोथ के साथ ही उनमें फिनोलिक एसिड का जो है एक्यूमुलेशन तथा उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण होस्ट जो होता है पैथोजन को वहाँ पर ग्रोथ नहीं करने देता है, जिससे कि डिजीज रुक जाती है। इसके अलावा डिफेंस थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पैथोजन टॉक्सिन्स, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पैथोजेनिक टॉक्सिन्स के अगेन के द्वारा भी डिजीज कॉज होने से रुक जाता है। जैसे कि ऐसे पैथोजन ऐसे सब्सटेंस वगैरह का सिक्रीशन करते हैं जो ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ के लिए जो होते हैं टॉक्सिक होते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो होता है होस्ट जो है होस्ट की जो रेजिस्टेंट वैरायटी जो होती हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती हैं जिससे कि पैथोजन के लिए जो होता है वो टॉक्सिक होता है और उनकी ग्रोथ को रोकता है। तो ये जो एटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में ये कार्य करता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस जो होता है पैथोजन की टॉक्सिक इफेक्ट को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। जैसे कि कॉटन है तथा टोमेटो वगैरह के प्लांट में जो होता है इन्फेक्शन फ्यूजेरियम या फ्यूजेरिक एसिड की टॉक्सिन और उसकी डिटॉक्सिन यौगिक जो होता है एन मिथाइल फ्यूजेरिक एसिड एमाइड में बदल जाता है, जिससे कि जो होता है पैथोजन की ग्रोथ वहाँ पर रुक जाती है। डेट्स ऑल, थैंक यू।